हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और जो आपके लिए आज मैं वीडियो लाया हूँ दोस्तों, वो है बैटरी से रिलेटेड, बैटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड। दोस्तों जो स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्मार्टफोन को ऑन करने के लिए दोस्तों, वो बैटरी होती है। और दोस्तों जो बैटरी होती है स्मार्टफोन की, वो मतलब कि कई जो मेटल से बनी होती है, जैसे कि ली पॉलीमर और ली आयन। तो दोस्तों जो ली पॉलीमर की बैटरी होती है, तो दोस्तों वो आज की डेट में काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिलती है। और दोस्तों जो ली पॉलीमर की बैटरी है, वो मतलब कि आज की डेट में कई स्मार्टफोन में यूज़ हो रही है। और दोस्तों ली आयन की बैटरी भी मतलब कि आज की डेट में काफ़ी फोन्स में यूज़ हो रही है। तो दोस्तों जो पुरानी मतलब कि जनरेशन में बैटरीज यूज़ होती है दोस्तों, उसमें बैटरी का मतलब कि स्वेलनेस और इस तरह से मतलब कि देखने को मिलता था, जो कि दोस्तों पुराने आप ने अगर नोकिया के फ़ोन्स देखे हो तो दोस्तों उसमें आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आज की डेट में जो स्मार्टफोन्स होते हैं, वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, उनकी बैटरीज भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। और दोस्तों जो इस एडवांसमेंट के टाइम में अगर आपके पास कोई भी आजकल की डेट में बैटरी होगी, तो दोस्तों अगर आप उसको पुराने लेवल की बैटरी से कंपेयर करोगे दोस्तों, आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप मतलब कि जो पुराने स्मार्टफोन्स या फिर पुराने जो फ़ोन्स होते हैं दोस्तों, अगर आप उसके जो बैटरी स्ट्रक्चर को देखोगे, वो भी काफ़ी अलग हो चुका है आज की बैटरी लेवल से। तो दोस्तों जो आज की डेट में बैटरी लेवल है, उसमें स्वेलनेस काफ़ी देर से देखने को मिलता है, मतलब कि 2-3 साल में या फिर 3-4 साल में अगर आप फ़ोन को अच्छे ढंग से यूज़ करते हो। तो दोस्तों अगर दोस्तों आप पुराने ज़माने के फ़ोन्स में देखोगे, तो उसमें 1 साल या फिर 2 साल में बैटरी का स्वेलनेस देखने को मिलता था। और दोस्तों जो स्वेलनेस होता है, ये काफ़ी मतलब कि बैटरी को डैमेज करता था, और दोस्तों आप उस बैटरी को रिप्लेस कर देते थे। और दोस्तों आज की मतलब कि स्मार्टफोन इतने एडवांस हो चुके हैं, और उनकी बैटरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि दोस्तों आपको रिप्लेस करने की मतलब कि काफ़ी कम चांस है कि आप फ़ोन की बैटरी को रिप्लेस करोगे, अगर दोस्तों आप लिमिटेड स्मार्टफोन यूज़ करते हो। अच्छे स्मार्टफोन में तो काफ़ी मतलब कि अच्छे से जो बैटरी का जो स्टेबलाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो बैटरी जो अपनी प्रोटेक्ट करती है, अपने आप को प्रोटेक्शन करती है, तो वो काफ़ी मतलब कि अच्छे से करती है। और दोस्तों उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आ जाती है अब नोट 7 की। तो दोस्तों जो नोट 7 का स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी मतलब कि जो एक्सीडेंट था दोस्तों, वो काफ़ी मतलब कि धब्बा वाला स्टैंड था दोस्तों। उसने जो सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू था, उसको भी मतलब कि काफ़ी डैमेज किया था, क्योंकि दोस्तों जो मतलब कि सैमसंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए काफ़ी जाना जाता था, और दोस्तों उसका जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में नोट 7 में प्रॉब्लम आई, तो दोस्तों उसे काफ़ी मतलब कि बड़ा एक्सीडेंट के रूप में माना जाता है, और दोस्तों उससे काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला। तो दोस्तों इस तरह से जो स्मार्टफोन को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों आज की डेट में उसके बाद से हर एक स्मार्टफोन अपनी जो स्मार्टफोन की बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी मतलब कि जागरूक हो चुके हैं, और आज की डेट में आपको ऐसा एक्सीडेंट देखने को मतलब कि बहुत ही कम मिलेगा। और दोस्तों आज की डेट में मतलब कि अब जैसे जैसे बैटरीज में इम्प्रूवमेंट होगी, तो दोस्तों ऐसे एक्सीडेंट को देखने के लिए काफ़ी मतलब कमी देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो आने वाले टाइम में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी ना किसी तरह जो बैटरीज को इंटीग्रेट किया गया, तो दोस्तों काफ़ी जो मतलब कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, और दोस्तों जो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी है और चार्जिंग जो लेवल्स है, उसको भी काफ़ी अच्छा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों बैटरी में इसका यूज़ होना वैसे तो काफ़ी मुश्किल है। और दोस्तों आने वाले टाइम में जो ग्रेफाइन की बैटरीज आएगी, तो दोस्तों उसमें जो आपका फ़ोन 5 मिनट्स में ही चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों 5 मिनट्स में अगर कोई फ़ोन चार्ज होने लगा, तो दोस्तों आज की डेट में मतलब कि आज की डेट से वो काफ़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी बन जाएगी। और दोस्तों आज के लेवल में जो स्मार्टफोन जैसे कि वॉक चार्जिंग, सुपर वॉक चार्जिंग, इस टाइप के जो चार्जर आते हैं, तो दोस्तों वो भी अपनी टेक्निक के अनुरूप काम करते हैं। और दोस्तों जो अपनी टेक्निक मतलब कि वो यूज़ करते हैं, तो दोस्तों वो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, जिसमें कि बैटरी स्टोर ली जाती है, और दोस्तों उन बैटरीज को हाफ हाफ चार्ज करने के लिए मतलब कि सुपर वॉक चार्जर्स से चार्ज किया जाता है, और दोस्तों बैटरी जो 35 मिनट्स 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी एडवांसमेंट आती रहेगी और आती रही है। तो दोस्तों इसकी जो मतलब कि टेक्निक देखने को सबसे पहले मिली, तो वो टेक्निक दोस्तों आईफोन में देखने को मिली, जो कि आईफोन का मॉडल iPhone X था, और दोस्तों काफ़ी अच्छा मॉडल था, काफ़ी मतलब कि अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों कंपनी की सबसे बड़ी मिस्टेक यह होती है मतलब कि आईफोन में, कि वो फास्ट चार्जर नहीं देती, और दोस्तों जो उनका स्मार्टफोन मतलब कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यही था बैटरी के बारे में। दोस्तों मैं इसका पार्ट भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बैटरी की प्रॉब्लम किस तरह दूर किया जाता है।
दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बैटरी मिथ के ऊपर बनाई थी दोस्तों, अगर आपको देखनी है तो आप आई बटन पर जाना दोस्तों, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।